अभी हम हैं बाबा नगरी देवघर में, और जिस जगह पर खड़ा है वो है देवघर कॉलेज मैदान। और मेरे पीछे ये आप विशाल पंडाल बनते हुए देख पा रहे होंगे। इसी पंडाल में कल बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम होने वाला है। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप आएंगे और कैसे आप यहाँ पर उनका प्रवचन सुन सकेंगे, तो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप लोग बने रहिए, सारी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। देख सकते हैं, मैं आपको एंट्री से ही बता रहा हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है देवघर कॉलेज का प्रवेश द्वार। तो इधर से भी आप आ सकते हैं, टावर चौक वगैरह से अगर आप आएंगे तो इधर से ही जो है सड़क मार्ग से आप आ सकेंगे। साथ ही इधर बगल से बस जहाँ पर ये पंडाल बन रहा उसके पीछे आप जो एक मंदिर जैसा देख रहे हैं, देख सकते हैं वो है देवघर कॉलेज स्टेशन का जो है गुंबद जैसा मंदिर का बना हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से अगर आप रेलवे से भी आते हैं तो आप जो है देवघर स्टेशन जब आइएगा तो वहाँ से आपको इस तरफ से घूमते हुए भी गाड़ियाँ यहाँ पर छोड़ देगी, आप इस गेट से आ सकेंगे। या फिर आप इधर देख सकते हैं, इधर भी जो है एक गेट है, तो देवघर कॉलेज के जो है एक और गेट है, उधर से आप आ सकेंगे। तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप देख सकते हैं कितना नज़दीक जो है रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से आप पैदल भी इधर से आ सकेंगे। और मैंने आपको बस का बता दिया, अब बाबा धाम देवघर आने के बाद आप इधर से भी यहाँ पर एंट्री कर सकेंगे। और अगर आप दूर से आ रहे हैं तो जसीडीह जो है जंक्शन है, वहाँ पर सभी गाड़ियाँ रुकती है, वहाँ से आप ऑटो के माध्यम से यहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो चलिए धीरे धीरे पंडाल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ पर पंडाल बन रहा है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लगभग 200 से 250 मीटर लंबा ये पंडाल दिख रहा है, और चौड़ाई में भी आप सोच सकते हैं लगभग जो है 100 मीटर की चौड़ा लगभग ये पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है। देख सकते हैं दो भागों में ये पंडाल बंटा हुआ है, एक भाग इधर है और दूसरा भाग वो दरी जो दिख रहा है उसके उस तरफ। तो इसी प्रकार का जो है दो बड़ा बड़ा पंडाल यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज का जो है प्रवचन होगा। तो चलिए पूरा पंडाल अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार का पंडाल है। देख सकते हैं आगे तक आपको जो है ये सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, और उनका जो है स्टेज उस तरफ बन रहा है। तो चलिए चलते हैं स्टेज की तरफ। तो इधर आप देख सकते हैं कुर्सी वगैरह आ चुका है, उधर भी बहुत सारी कुर्सियां हैं, और नीचे भी जो है इस प्रकार से कारपेट वगैरह सारा कुछ बिछाया जा रहा है, दरी वगैरह बिछाया जा रहा है, और स्टेज जो है बहुत तीव्र गति से बनाया जा रहा है। आज से यहाँ पर कार्यक्रम होना था ऐसा सुनने में आया था, लेकिन जो है एक ही दिन का यहाँ पर कार्यक्रम होगा, 15 तारीख को जो है ये कार्यक्रम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना जो है रफ्तार से यहाँ पर काम चल रहा है पूरा स्टेज और पंडाल बनाने का। तो चलिए मैं धीरे धीरे स्टेज के समीप जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का नज़ारा है। बहुत सारे माताएँ यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि सुनने में आ रहा था जिस प्रकार से 14 और 15 को जो है उनका कार्यक्रम होना है, लेकिन जो है एक ही दिन का कार्यक्रम होगा 15 तारीख को। तो देख सकते हैं उससे पहले ही यहाँ पर बहुत सारे उनके भक्त पहुँच चुके हैं और स्टेज बनाने का काम जो है जोरों पर है। तो देखिए मैं अब सामने से दिखा रहा हूँ, जो भी माताएँ बहनें यहाँ पर आए हुए वो तो यहाँ पर बैठ के अभी से ही जो है गीत गाना भी प्रारंभ कर दिए हैं, आप सुन भी पा रहे होंगे कुछ कुछ जो है उनका आवाज़। और इस प्रकार से देखिए मैं एकदम नज़दीक से आपको मंच दिखा रहा हूँ, ये मंच बन रहा है किस प्रकार से। तो यहीं पर जो है कल का प्रवचन होगा, आप लोग भी यहाँ पर अर्जी लगा पाएंगे। तो कुछ ऐसा नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है बाबा धाम देवघर का, और ये देवघर कॉलेज मैदान है जहाँ पर कल बागेश्वर धाम सरकार आने वाले हैं। देखिए मैं आपको पूरा घुमा के दिखा रहा हूँ, इस प्रकार का भी नज़ारा है कुछ देवघर कॉलेज मैदान का, जहाँ पर ये बड़ा बड़ा पंडाल अभी बनाया जा रहा है। तो देखिए अब मैं एकदम नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ, ये इस प्रकार का जो है बड़ा सा एक स्टेज बन रहा है, और यहीं से जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज बागेश्वर धाम सरकार अपना प्रवचन देंगे, और जो भी यहाँ पर उनके भक्त आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। देखिए मैंने वो पंडाल तो आपको दिखाया था, अब दूसरे पंडाल को आपको एकदम नज़दीक से दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा ये दो पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है, बहुत ही जो है लंबा और चौड़ा पंडाल है। आप देख ही पा रहे होंगे किस प्रकार का पंडाल है और किस प्रकार का स्टेज बन रहा है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं किस प्रकार का ये नज़ारा है, क्योंकि हम बाबा धाम का अधिक ब्लॉग बनाते हैं, तो हमारे यहाँ जो है बागेश्वर धाम सरकार पहुँच रहे हैं तो उसका भी एक ब्लॉग बनना ही चाहिए। तो तैयारियाँ कैसे हो रही है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से यहाँ पर पंडाल बन रहा है, साथ ही और भी जो है ट्रक से सामान वगैरह आ रहा है। समय बहुत कम ही बचा है, रात तक जो है पूरा पंडाल बन के कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल आपको यहाँ पर जो स्टेज है वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखने को मिलेगा, बागेश्वर धाम सरकार का यहाँ पर दरबार लगने वाला है।
और साथ ही आप उनके प्रवचन को भी सुन पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का अभी माहौल है देवघर कॉलेज के ग्राउंड में, देवघर कॉलेज के मैदान में, जहाँ पर ये पंडाल बन रहा है। तो मैंने आपको सारा कुछ दिखाया। अब कल आपको यहीं पर इसी चैनल पर मैं बागेश्वर धाम सरकार का जब यहाँ पर दरबार लगेगा वो भी दिखाऊंगा। तो मैं फिर से बोलता हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर भी पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।